अच्छा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट लेक्चर था हमारा कि गाइडिंग मीडिया में कौन कौन से हमारे इंफॉर्मेशन जो है सेंड करने के लिए जो हमारे पास केबल हैं, विस्टर केबल पड़ी, उसके बाद में बैकबेल केबल पड़ी, फिर हमने अनगाइडेड मीडिया की तरफ आ गई कि अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास तीन ही उस चीज की टाइप से तीन ही इसी टाइप से है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन मीडिया और हमारे पास जो है बेटा माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, मोबाइल कम्युनिकेशन है। बेटा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। गाइडेड मीडिया में आप सिग्नल को बाउंड करके रखते हैं कि आपने इसी मीडियम के रास्ते से जाना है, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन अनगाइडेड मीडिया में सिग्नल को बाउंड नहीं कर सकते, जिस तरह माइक्रोवेव है। तो इसलिए अगर माइक्रोवेव की हम डेफिनेशन थोड़ी सी डिस्कस करें, ट्रांसमिशन टू एयर, टू एयर से क्या बात है कि हम रेडियो सिग्नल के लिए इसका जो रेडियो सिग्नल को है ट्रैवल करवाते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और देखिए रेडियो सिग्नल आर नॉट बाउंड, लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव जो डाटा सिग्नल उसको बाउंड नहीं करते। बाउंड मीन ये हो गया कि हम डाटा सिग्नल को एक ही रास्ते से नहीं दे सकते, बल्कि मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टी टास्किंग होती है। मल्टी टास्किंग के बाद आप डाटा ही एक सिग्नल दूसरी जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम डाटा सिग्नल कहते हैं। आगे हमारे पास देखिएगा कि ट्रांसमिटेड इन द स्ट्रेट लाइन। बेटा ये जो माइक्रोवेव है इसमें क्या करते हैं, हम दो टावर लगाते हैं और एक ट्रावल को हम क्या करते हैं, जहां पे सिग्नल वीक होता है वहां उस ट्रावल के साथ हम बोस्ट रिपीटर या बूस्टर यूज करते हैं। वो रिपीटर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिटर हमने एक और इस लोकेशन से सेंड की, वो सिग्नल इस लेंथ तक दिया, फॉर एग्जाम्पल इसकी 800 मीटर है। जब 800 मीटर तक गया तो हमारा सिग्नल वीक होना स्टार्ट हो गया, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बैंडविड्थ, उसकी स्पीड, वो हमारे पास क्या होगी, कम होना शुरू हो गया। हमने क्या किया, हमने ऐसे किया जहां पर उसका जो सिग्नल वीक हुआ था, हमने वहां पे एक और हमारे पास क्या टावर लगाया, ठीक है, ट्रांसमिशन सिग्नल टावर। वो सिग्नल टावर जो सिग्नल आ रहा था उसको रिपीट कर रहा था, यानी कि रिपीट यानी कि बूस्ट कर रहा था। जब इसी तरह वो प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह चलता जाता है। तो ये बेटा माइक्रोवेव के हिसाब से हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। बाद में हम गाइडेड मीडिया यूज करें, गाइडेड मीडिया में हम क्या हो सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या छोटी सी एक अदारे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन में सेंड करना है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोवेव। अब यूज इन पार्टिकुलर एरिया सिटी, इसको हम सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिटी में हम क्या करें मल्टीपल नंबर सिग्नल टावर लगाए, जस्ट लाइक आप मोबाइल। इसमें अगर सिग्नल होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्नल हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर फिर लग गया, फिर आ गया होगा कि आपके पास एक और टावर लगे होगा, वहां से आपका सिग्नल फिर पीट होगा, फिर पूछ होगा, फिर एग्रीकल्चर, तो ये सिलसिला चलता है। आगे मैं आप देखिएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या डाटा सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन थ्रू अ सैटेलाइट। तो आप कम्युनिकेशन टू सैटेलाइट, सैटेलाइट थ्रू वे 23,300 miles हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। हम रेडियो सैटेलाइट को इस इतने डिस्टेंस तक रोटेट, बहुत सीक्रेट कम्युनिकेशन की बात होती है। आपके पास पाकिस्तान में जो हमारे पास सबसे पहली जो सैटेलाइट जो रूस के सामने से लगी थी सुप्रीम वन, उसके मुताबिक आप क्या करते थे अपनी पिक्चर्स देंगे हम डेटा सेंड भी करते थे। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे हमारे पास कुछ फायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है, ये कॉमन बात है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है कि जब बैड नेटवर्क कब होता है, जब आपके पास बैड डायलर होता है, जब आपके पास मौसम अच्छा है तो आपके पास आपका नेटवर्क भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास डायलर खराब हो गया है तो आपका नेटवर्क भी खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ ये है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ऐसे तो हैकिंग में आप जो है जो लोग जानते हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम को इजीली हैक कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये आर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकती है, वीडियो हो, ग्राफिक हो, साउंड हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, हम जो पीछे से टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का जानते हैं कि कहते हैं प्रोसेस डेटा, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन। आगे देखिएगा वायर कम्युनिकेशन,
तो मोबाइल एप्लीकेशन डिजीज टेक्नोलॉजी है, इसमें देखिए रेडियो बेस्ड नेटवर्क, ये रेडियो बेस्ड नेटवर्क है, हम जो सिग्नल यूज करवाते हैं वो रेडियो सिग्नल के ऊपर ट्रैवल करता है। आगे कंप्यूटर के आपको वायरलेस वायरलेस पोर्ट्स, बेटा ये जितना भी हमारे पास आप कंप्यूटर अपना जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस, एक मोबाइल फोन आज जल्दी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हम अपना हॉटस्पॉट यूज करते हैं, हॉटस्पॉट को वायरलेस कनेक्शन देते हैं कंप्यूटर के साथ और वाईफाई इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई पोर्ट लगी हुई है तो आप मोबाइल पोर्ट है कंप्यूटर के साथ बोल करते हैं तो आप डाटा कम्युनिकेशन ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम कंप्यूटर टू मोबाइल, मोबाइल टू कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन है। अब बेटा ये इतना अहम टॉपिक है कि हर एक साल का या दो साल बाद ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में रिपीट होता रहता है कि कभी वो पूछ लेता है डिफाइंड कम्युनिकेशन मीडिया आल्सो डिस्क्राइब डिस्कार्डेड मीडिया, कभी वो पूछ लेते हैं डिफाइंड कम्युनिकेशन मीडिया आल्सो डिस्क्राइब द अनगाइडेड मीडिया, तो दो ही टाइप्स हैं और दोनों में भी तीन तीन टाइप्स हैं इस टॉपिक में, एक आप लेंथी टॉपिक है। इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक पढ़ा है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे वो है मॉडर्न मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, वो क्या होती है हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। थैंक यू।